उत्तर प्रदेश खेल विभाग के तत्वावधान में ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी चतुर्थ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह एवं जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही रहे। पहला मैच केएस नैन बनाम जेडी एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें जेडी एकेडमी 43 अंक तथा जेएस नैन ने 41 अंक बनाए। जेडी एकेडमी ने केएस नैन को 2 अंकों से पराजित किया। दूसरा मैच जाट रेजिमेंट और बरेली आईटीबीपी के बीच खेला गया, जिसमें बरेली आईटीबीपी ने जाट रेजिमेंट को 11 अंकों से पराजित किया। प्रतियोगिता का प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच ग्रीन आर्मी एवं महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन आर्मी ने 1 अंक से महाराष्ट्र को पराजित किया। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच जाट रेजिमेंट रेड आर्मी के बीच खेला गया, जिसमें रेड आर्मी ने 4 अंकों से जाट रेजिमेंट को पराजित किया। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जेडी एकेडमी व उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में 14 अंकों के अंतर से जेडी एकेडमी को पराजित किया तथा चौथे क्वार्टर फाइनल आईटीबीपी हरियाणा के बीच खेला गया, जिसमें आईटीबीपी ने 5 अंकों से हरियाणा को पराजित किया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश आईटीबीपी आर्मी ग्रीन आर्मी रेड सेमीफाइनल में प्रवेश किए, जो रविवार को खेलेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा, फोटो सर जी डी वर्सेस उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला जे डी अकेडमी ग्रेटर नोएडा की अकेडमी। हाँ सुशील भाई, इसे तो यही तुम्हारे पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बार सबको परेशान किया है, बार बार क्या हाथ निकलेगा। संघर्ष अभी भी जारी, प्रयास सारे किए जा रहे हैं। ये प्रसूर बार-बार करते हैं बॉबी, लेकिन यहाँ कामयाबी मिलती हुई के पास देखिए, आज आर्मी और उत्तर प्रदेश ने अभी क्वार्टर फाइनल जीता है और फिर अभी दूसरा क्वार्टर फाइनल और चल रहा है। कल इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल सुबह दोनों खेले जाएंगे और फाइनल मैच ठीक 2:30 बजे इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पे किया जाएगा, जिसमें कल के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और यहाँ पे बहुत सी गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि कल अच्छी कबड्डी देखने को मिलेगी, तो आपके माध्यम से ज़्यादा गोरखपुरवासी आएँ और ये निःशुल्क है, यहाँ पर रीजनल स्टेडियम में आएँ और कबड्डी का आनंद। यहाँ पे पुरस्कार वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। अब प्रथम पुरस्कार पाने वाली टीम को 2 लाख रुपया, द्वितीय स्थाने वाली टीम को 1 लाख रुपया, तृतीय और चतुर्थ पे 50,000, सभी को नगद पुरस्कार दिया जाएगा।